हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो ये समर स्पेशल लुक मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही सटल वाला लुक है, मतलब बिल्कुल लाइट वेट जिसको आप कह सकते हो। प्रोडक्ट भी मैंने बहुत ज़्यादा अमेजिंग यूज़ करे हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे आप सभी को वो प्रोडक्ट्स। एंड यू कैन सी कितना फ्लॉलेस बेस क्रिएट हुआ है और बिल्कुल सिंपल सा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर वगैरह आपको जैसा अप्लाई करना है आप कर लो। एंड ओके, यहाँ पर मैं ना यूज़ करने वाली हूँ शुगर के प्रोडक्ट, जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कमाल के, समर के लिए तो बेस्ट है। तो यहाँ पर शुगर का लिप बाम मैंने ट्राई करा है एंड ये बहुत अच्छा है, मैंने इसको पूरा ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ शुगर का लिप बाम मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अपने लिप्स को हाइड्रेट करना ज़रूरी होता है। और ये रहा मेरा बॉक्स और इसमें से निकाल के मैं सारे प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ। सनस्क्रीन, ऑफकोर्स सनस्क्रीन मैंने यूज़ करी है शुगर की। ये इतनी प्यारी सनस्क्रीन है ना, लिटरली इसकी फ्रेग्रेंस पे तो मैं फिदा हो गई हूँ। इतना बिल्कुल रिफ्रेश करने वाली फ्रेग्रेंस है, वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं देती है आपके फेस पर एंड बिल्कुल मॉइस्चराइज कर देती है स्किन को और ग्लो ही लाती है। और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ ना, तो समर सीज़न में सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करो। विदाउट सनस्क्रीन आपको बाहर नहीं जाना चाहिए और ये बेस्ट सनस्क्रीन है। तो आप ये अफोर्डेबल में अगर कोई सा ढूंढ रहे हो ना सनस्क्रीन, तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। तो यू कैन सी द ग्लो, ग्लो भी बहुत ही अच्छा आया है फेस पर। अब मैं यूज़ करी हूँ प्राइमर, शुगर का प्राइमर, बहुत अच्छा है। इससे मेरे जो पोर है ना वो ब्लर हो गए हैं, इतना सॉफ्ट स्किन हो गया था मेरा लिटरली। मतलब मेरा जो फाउंडेशन है ना, जो भी मैंने सीरम, जो भी सीसी क्रीम अप्लाई किया था, वो इतना अच्छे से स्प्रेड हो रहा था ना, मतलब बिल्कुल बटर की तरह स्प्रेड हो रहा था और बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा था कि अनइवन टाइप दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट फिनिश के साथ में। तो ये बहुत ही अच्छा वाला प्राइमर है। अगर आप समर में ना, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि दीदी मेकअप है ना हमारा लॉन्ग लास्टिंग नहीं बन पाता है, स्वेट के कारण सब कुछ पिघल जाता है, तो आप ये प्राइमर ट्राई करो। इसको अप्लाई करके आप कड़कती धूप में भी चल जाओगे ना, तब भी आपका जो मेकअप है ना वो स्वेट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये बीबी सीरम वाला टेक्सचर, सीरम टेक्सचर में बीबी क्रीम है और ये बहुत ही अच्छी है, मतलब इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है और बिल्कुल समर के हिसाब से बिल्कुल लाइट वेट है। कुछ ज़्यादा आप इसको अप्लाई करोगे ना तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने हैवी सा कुछ अप्लाई कर लिया हो और बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगता समर्स में हैवी लुक क्रिएट करना और हैवी फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करना। तो ये बीबी सीरम है ना बेस्ट है, मतलब समर सीज़न के लिए बेस्ट सीरम है बीबी सीरम। तो इसको अप्लाई कर लिया, अंडर आइज़ पर भी मैंने सेम बीबी सीरम अप्लाई करा है, इससे कवरेज भी मिल गया था मुझे और अच्छा भी दिख रहा था, लाइट वेट। पूरे फेस को सेट कर लिया, लूज पाउडर से आप सेट कर लो। एंड देन आईब्रो को फिल कर लिया है मैंने, शुगर की पेंसिल ली थी उससे भी मैंने थोड़ा सा शार्प वगैरह कर लिया था और थोड़ा सा उसको स्प्रेड करते हुए ये मेरी आईब्रोज़ भी मैंने डन कर ली है। एंड आईब्रोज़ को आपको ज़रूर फिल करना है, आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो शुगर की, बहुत ही अच्छी वाली आती है। अब यहाँ पर मैंने लिक्विड आई शेडो लिए हैं डुएल, जो डुएल जो होता है, मतलब दोनों साइड में आपको एक साइड मैट मिलेगा, एक तरफ शिमर वाला आई शेडो मिलेगा, वो मैंने ट्राई करा है और इसको हाथों की तरफ से स्प्रेड करा है ना, हाथों से इतना ईजिली स्प्रेड हो गया था। फिर उसके जो एजेस है ना वो मैंने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दिए थे एंड यू कैन सी कितना अच्छा आई शेडो है ये, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना पड़ा और यू कैन सी वाओ कितना अच्छा लग रहा है यार। तो मैंने ये ट्राई करा, मुझे बहुत अच्छा लगा, ड्यूअल आई शेडो बहुत ही कमाल का है और इससे ना क्विकली मेकअप हो जाता है, फटाफट से तैयार होना ना, ये लगाया, ये ब्लेंड करा एंड दैट्स इट। आई शेडो में पिगमेंटेशन लो फिर वो नहीं आ रही, फिर दोबारा लो, तीसरी बार लो, ऐसा होता है, पर इसमें कुछ नहीं ऐसा। और शिमर को मैंने, जो शिमर वाला शेड था उसको मिडल में अप्लाई कर लिया था एंड यहाँ पर थोड़ा सा डस्ट ऑफ करने के बाद में मैं अप्लाई करी हूँ ब्लश। यस, ब्लश पे आती हूँ मैं क्योंकि ब्लश तो ज़रूरी है, समर में थोड़ा रोजी इफेक्ट नहीं देंगे तो कब देंगे। तो ये शुगर का 3-in-1 पैलेट लिया है मैंने और यहाँ पर इसमें ब्लश है, कॉन्टोर है एंड हाइलाइटर है और तीनों को मैं अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ब्लश अप्लाई करा है, कॉन्टोर अगर आप चाहो ना तो आप यूज़ कर सकते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी है प्रोडक्ट की, मतलब बहुत पिगमेंटेड भी है, अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है और लुकिंग वाइज भी ऑसम है, मतलब आपके स्किन पर वो जो शेड है वो भी बहुत कमाल का लगता है। और यू कैन सी मैंने जो ब्रश लिया है वो भी शुगर का लिया है, ये ब्रश भी बहुत कमाल का है और इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड 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 ब्लेंड। अब हाइलाइटर अप्लाई करी हूँ और इसका हाइलाइटर, ओ माय गॉड, यू कैन सी शुगर के हाइलाइटर की यही खास बात है यार, मतलब एक
स्वाइप में इतना अच्छा पिगमेंटेशन, नो माई गॉड। और मैं इसको, मेरे को हाइलाइटर भी ज़्यादा पसंद है, तो मैं 2-3 बार लेकर लगाए जा रही थी, पूरा ग्लोई मेरा स्किन हो गया था, इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा था। और मतलब इतना प्यारा पिगमेंटेशन था और कलर कॉम्बिनेशन बहुत सारे। आप अपने स्किन कलर के अकॉर्डिंग, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप अपना हाइलाइटर चूज़ कर सकते हो, लिक्विड हाइलाइटर, पाउडर हाइलाइटर, जेली हाइलाइटर भी मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हो इनकी वेबसाइट भी। और यहाँ पर मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है फॉरहेड पर भी, और 2 लिपस्टिक को मिलाकर मैंने लगाई है लिपस्टिक। तो ये है क्रियॉन, बहुत ही कमाल का है, क्रीमी वाला टेक्सचर है। तो मैंने सोचा दोनों लिपस्टिक को मिक्स करके एक न्यूट सा शेड बना लेती हूँ। तो ये मैंने क्रियॉन अप्लाई करा है। क्रियॉन में ना बहुत सारे शेड मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल रेड लेना हो, न्यूड लेना हो, पिंक लेना हो, सॉफ्ट पिंक लेना हो, सारे कलर अवेलेबल है। और ये थोड़ा सा मैंने बुलेट फॉर्म में लिपस्टिक अप्लाई करी है, बटर की तरह, मक्खन की तरह मैट लिपस्टिक थी, बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो गई थी, बिल्कुल एफर्टलेसली यार। पिगमेंटेशन तो बहुत कमाल की थी लिपस्टिक की भी। तो अपर लिप लोअर लिप पे दोनों पे अलग अलग शेड लगाए मैंने, और दोनों ही न्यूड थे। एंड देन सबको मिक्स कर दिया मैंने, उससे एक प्यारा सा शेड बनकर आया। मुझे इस लुक के लिए ना बहुत डिफरेंट लिप शेड चाहिए था, तो इसलिए मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। दोनों ही लिपस्टिक कमाल की, एक बुलेट वाली लिपस्टिक है और एक क्रियॉन है, बहुत ही अच्छी है। अब मस्कारा तो आए हाय, इसका मस्कारा मैंने जब ट्राई करा ना फर्स्ट टाइम, मुझे इतना अमेजिंग लगा। मतलब आप कुछ भी कर लो, आप ये वाला मस्कारा तो खरीद ही लो। लॉरियल का वो मस्कारा बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, उसके टक्कर में है ये अफोर्डेबल शुगर का मस्कारा यार। मतलब इतना कमाल का ना, मुझे इतना इम्प्रेस कर दिया इस मस्कारे ने कि कैमरे में इतना विजिबल नहीं हो रहा था, बाकी रियल लाइफ में आप देखते ना मेरी लैशेस तो बोलते हैं ओ माई गॉड जीविका आपकी लैशेस कितनी ज़्यादा प्रिटी है। और थोड़ा सा इनर कॉर्नर्स पे लग गया है मुझे, एक्साइटमेंट में मैं थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर रही थी और अच्छे से अप्लाई किया मैंने। एक कोट ही अप्लाई कर रही थी मैंने, अभी दूसरा कोट भी नहीं लिया। लोअर लैश पे भी कंप्लीट करके आई, मेरी कंप्लीट हो गई बढ़िया सी। और फिर उसके बाद में मेरा मेकअप लुक कंप्लीट नहीं होता है अभी यार, मेकअप को सेट करना भी बाकी है। तो थोड़ा सा मैट इफेक्ट देने के लिए मैं मैट सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ये आपके मेकअप को मैट बनाएगा, और समर में मैट मेकअप किसको नहीं पसंद होता है यार। तो आप ये ट्राई ज़रूर करना मैट इफेक्ट के लिए, और बिल्कुल बढ़िया सा मेकअप दिखने वाला है और लंबे समय तक टिका रहेगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया स्प्रे को, एंड देन स्प्रे करा, और ये बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस थी और बहुत ही कमाल का था ये, और इसने बहुत ही लंबे समय तक मेरे मेकअप को टिका कर भी रखा। एंड यहाँ पर मेरा जो मेकअप है वो कम्प्लीट होता है, मैं हेयर स्टाइल ज्वेलरी वेयर करके वापस आती हूँ। और ये रहा मेरा फाइनल लुक गाइस, थोड़े से हेयर्स को मैंने ओपन कर लिए है, ज्वेलरी वगैरह, हेयर एक्सेसरीज, थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह अप्लाई करी, एंड यू कैन सी समर के लिए सॉफ्ट वाला मेकअप लुक कितना जल्दी से तैयार हो गया है और कितना अच्छा दिख रहा है, फ्लॉलेस बेस दिख रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि क्रैक पड़ रहे हैं या कहीं से मेकअप हट गया है, पूरा सेट हो चुका है अपनी जगह पर, पूरा लॉक। यू कैन सी रिजल्ट कैसा लगा, मेकअप लुक कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे, और कौन से मेकअप लुक मैं आपके साथ शेयर करूँ वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड गाइज आप ये प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हो शुगर की ऐप पर भी। एंड ओके, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।